और बच्चा लोग कैसे हो सब? चलिए आज कुछ करते हैं नई सी ट्रिक। तो हाँ बच्चों, आज की बिजी लाइफ में हमें वक्त ही नहीं मिलता अपने लिए। तो ऐसे में यदि हम ध्यान नहीं देते तो होता ये है कि हमारे बाल बहुत ही बेकार होते चले जाते हैं। आज के टाइम में बाल झड़ना बहुत ही आम सी बात हो गई है। बालों में रूसी होना, बालों में ईचिंग होना, ये सारी परेशानियां हो गई हैं। और हमें ऐसा कोई चीज़ चाहिए, घरेलू चीज़ चाहिए, इंस्टेंट जो बन जाए और शुद्ध बन जाए, वो हमारे बालों में बहुत फ़ायदे मिल सकते हैं। तो आज हम बनाते हैं अनियन ऑयल घर में। ये बहुत ही बढ़िया रहेगा, बन भी जाएगा बहुत ही आसानी से। कुछ खास ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इसमें खास वो चीज़ें डालूंगी जो हमारे बालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। अगर आप इस ऑयल को यूज़ करेंगे सही तरीके से इन ट्रिक्स के साथ बनाकर, तो आपके बालों की कंडीशन इस तरीके से हो जाएगी। लंबे तो होंगे ही, लेकिन स्वस्थ होंगे बाल आपके, घने होंगे, झड़ेंगे नहीं, असमय सफ़ेद नहीं होंगे। खास बात है ये, बाल भले ही हमारे छोटे हों लेकिन स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्याज। हमें सबसे पहले ध्यान जो देना है, हमें प्याज सूखा चुनना चाहिए, जो प्याज इस तरीके से सूखा दिखे। इसकी ये पहचान है कि जब हम हाथों से इसे दबाएं तो ये ज़्यादा दबे ना, बिल्कुल ड्राई सा रहे। तो बस यही प्याज मैं दो ले रही हूँ। अच्छा, प्याज ही क्यों हमारे बालों को ठीक करने में मदद करता है? प्याज के अंदर एक सल्फर होता है, जो हम जब भी प्याज काटते हैं तो हमें आंखों में आंसू आते हैं इसी सल्फर की वजह से। और ये सल्फर हमारे बालों की जड़ों को जो रीजनरेट करता है, मजबूत करता है, वो बहुत ही अमेजिंग है। पतले बालों को हेल्दी कर देता है, मोटा करता है, और सफ़ेद बाल तो बिल्कुल नहीं होने देता है, रूसी भी बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है। तो पहले हम इस प्याज को कट कर लेते हैं, किसी भी शेप में आप काट लीजिए। इन प्याज को मैं मिक्सी के अंदर डाल रही हूँ, इसे थोड़ा ग्राइंड कर रही हूँ। इसमें पानी की एक बूंद भी हमें नहीं डालनी है। यहाँ देखिए, प्याज थोड़ा सा दरदरा सा हो चुका है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2-3 चम्मच सरसों का तेल, जिसे हम मस्टर्ड ऑयल कहते हैं। क्योंकि हम जब कोई चीज़ पीसते हैं तो उसमें पानी डालना पड़ता है, पर हम पानी तो डालेंगे नहीं, तो हम यहाँ पर सरसों का ऑयल यूज़ कर रहे हैं। मैं आगे बताऊंगी कि कौन कौन सा ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। अब इसे मैं पीस लेती हूँ। ये देखिए, ऑयल डालने से ये प्याज पीले रंग का भी हो गया और बिल्कुल फाइन पेस्ट हो गया। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ वो है लहसुन, जिसे हम गार्लिक कहते हैं। अब आपको यही लगेगा, ये सब्जी बन रही है या बालों के लिए तेल? नहीं नहीं, ये बालों के लिए ही तेल बन रहा है। ये जो लहसुन है बहुत ही हेल्दी है हमारे बालों के लिए, बहुत ही हेल्प करेगा हमारे बालों को। ये लहसुन जो होता है एंटी बैक्टीरियल होता है, इसमें एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है सेलेनियम, वो हमारे बालों की जड़ों को साफ करता है। पॉल्यूशन की वजह से बाल खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसे भी हम इसमें पीस लेते हैं। अब तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है मीठा नीम, जिसे करी लीव्स कहते हैं। अब ये करी लीव्स है, ये इसलिए डाला जाता है, ये बहुत हेल्प करता है हमारे बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को मॉइस्चराइजर रखता है। बालों के लिए जो हम यूज़ करते हैं शैम्पू, कंडीशनर या हम डाई यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल केमिकल हम यूज़ करते हैं, उन्हें हमें बचाता है। उन वो हम करना तो छोड़ते नहीं हैं, शैम्पू हम लगाते ही हैं, डाई हम लगाते ही हैं, लेकिन ये कम से कम नुकसान पहुंचाएगा। आपको पता है ना, साउथ में बहुत ज़्यादा खाया जाता है ये मीठा नीम, करी लीव्स, ये उनके बाल बहुत ही स्वस्थ होते हैं। तो ये मीठा नीम आप ज़रूर डालिए। यहाँ मैं आपको बोलूँगी एक और चीज़, यहाँ पर अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे रहते हैं तो 2 चम्मच भर के आप मेथी के दाने, उन्हें भी आप भिगा दीजिए और सोक किए हुए वो भी आप डाल सकते हैं, पर अभी मैं वो नहीं डाल रही हूँ। तो अब ये देखिए, पूरा पेस्ट ये बन चुका है। अब चलते हैं इसे बनाने के लिए। इसे हमें बनाने के लिए एक आयरन की मोटी कढ़ाई लेनी होगी, पर अगर आपके घर में नहीं है तो एल्यूमिनियम की भी ले सकते हैं, पर थोड़ी सी मोटी कढ़ाई होनी चाहिए। मोटी इसलिए कि अगर मोटी होगी तो ये धीरे धीरे पकेगा, ये प्याज और लहसुन जलेगा नहीं,
अगर ये जल जाएगा पतली कढ़ाई में तो हमारा ऑयल बहुत ही काला हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखिए मैंने सारा मिश्रण कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। ये कुल मिला के 150 से 200 ग्राम सरसों का ऑयल था, जिससे मैंने 2-3 चम्मच पीसते टाइम में डाल दिया, बाकी ये है। 100 ग्राम है नारियल का तेल, आप चाहें तो कोई एक भी ले सकते हैं। और हाँ, अगर आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कम है तो आप इसमें थोड़ा अरंडी का ऑयल भी डाल सकते हैं। ये पुराने ज़माने के नुस्खे हैं जो हम आजकल भूल से गए हैं, अब उन्हीं नुस्खों को आप अपनाइए और ये ऑयल बनाइए। अब ये देखिए कढ़ाई में हमने डाल दिया है ऑयल और इस मिश्रण को हम इसे गैस पर रखते हैं। शुरू में हमें 2 या 3 मिनट फुल गैस पर रखना है, जिससे हमारी जो कढ़ाई है एल्यूमिनियम की या लोहे की वो गर्म तो होनी चाहिए। जैसे ये कढ़ाई गर्म हो जाए 2-3 मिनट में, उसके बाद आप फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दीजिए, क्योंकि अब हमें ना तो तेल को बहुत ज़्यादा जलाना है ना ही इस मिश्रण को हमें ज़्यादा जलाना है। भले ही 20 मिनट लगें या 30 मिनट लगें, हमें धीरे धीरे पकाना है। मैं एक बात की गारंटी लेती हूँ, इस तेल को लगाने के बाद आप कंडीशनर लगाना तो बिल्कुल भूल ही जाएंगे, क्योंकि ये कंडीशनर का भी काम करेगा, आपके बालों को सॉफ्ट रखेगा। ये देखिए किस तरीके से उबल उबल के पक रहा है। करीब करीब मुझे 25 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए काफ़ी झाग सी आ गई है, जो ये प्याज लहसुन करी लीव्स हैं ये हल्के ब्राउन से होने लगे हैं, लेकिन जले अभी भी नहीं है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब इसे हमें ठंडा करना होगा। यहाँ देखिए ऑयल बिल्कुल ठंडा हो चुका है। यहाँ मैं एक कोई भी जार या चौड़े मुंह वाली कटोरी ले लेती हूँ। अब छानने के लिए मुझे कोई पतला सा कपड़ा लगेगा, क्योंकि हम जब बालों में लगाएं तो छोटे छोटे कण अगर बालों में होंगे तो हमें अनईजी सा महसूस होगा। हमें बिल्कुल प्लेन ऑयल होना चाहिए, जैसा हम नॉर्मली ऑयल लगाते हैं, तो इसे कपड़े में छानना ही ठीक होगा। ये देखिए पूरा तेल और ये मिश्रण हमने इस तरीके से डाल दिया है। अब धीरे से आपको एहतियात के साथ इस कपड़े को सब तरफ से लपेट के धीरे धीरे पूरे ऑयल को निकालते जाना है। काफ़ी सारा ऑयल है और ये देखिए ऑयल का कलर आप देखिए, ना तो ये काला है, हल्का सा हरा ज़रूर है, क्योंकि हमने करी लीव्स डाली हैं। ये इसे आप पूरा अच्छे से निचोड़ दीजिए, स्क्वीज़ कर दीजिए, जो भी ऑयल है उसे निकाल दीजिए। अब ये जो मिश्रण है, ये मिश्रण आप चाहें तो फेंक दीजिए, लेकिन कभी अगर आपके पास टाइम हो या आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो इसमें आप मुल्तानी मिट्टी डालकर पीस के रख लीजिए। बालों में यदि कभी मन करे तो वीक में एक बार इसका पैक बनाकर लगा सकते हैं, उसके बाद बालों को धो लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इसमें सारी चीज़ें मिली हुई हैं और अभी भी इसमें थोड़ा बहुत ऑयल रहता है। वैसे आप नहीं यूज़ करना चाहें तो इन्हें हटा दें। अब बारी आती है इस ऑयल की। अभी ये ऑयल पूरा कंप्लीट नहीं है, एक और हेल्दी चीज़ वो हम इसमें डालेंगे। बालों और स्किन के लिए जो खास मेडिकल भी बताता है वो है विटामिन ई। विटामिन ई के कैप्सूल ईजिली आपको किसी भी केमिस्ट स्टोर पर मिल जाएंगे। वो ये 2 या 3 आप ले लीजिए और उसको आप इस तरीके से इसमें हल्का सा कट लगाकर ये जो कैप्सूल के अंदर जो ऑयल है वो इसके अंदर डाल दीजिए। ये आप 3 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं या 2 डाल सकते हैं। अब ये ऑयल पूरी तरीके से मिला लीजिए, ठंडा कर लीजिए और इसे एक जार में भर के रख लीजिए। ये आपके महीनों चलेगा, ऑयल बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, इसमें कोई स्मेल नहीं है। और अगर आप चाहते हैं तो इसमें एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं खुशबू के लिए। वैसे मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसमें कुछ भी डालने की। आप जब भी इसे लगाएं तो बालों में 1-2 घंटा ज़रूर रखें, या तो ओवरनाइट रखें या 1-2 घंटा लगाकर उसके बाद सर धो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, जब भी आप बालों में इसे लगाना चाहें तो कैसे लगाएँ वो अब आप ये देख लीजिए। यहाँ रखा है मैंने एक कटोरा जिसमें गर्म पानी है। जब भी हमें ऑयल लगाना है
तो अभी तो मैं पूरा जार रख के दिखा रही हूँ आपको, आप कटोरी में उतना ही लगा निकालिए जितना आपको लगाना है, वो कटोरी गर्म पानी के अंदर रख लीजिए, उससे क्या होगा ये ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा। अब आप बालों पर लगाइए, इस तरीके से हल्के हल्के मालिश करनी है, नेल से आपको रब नहीं करना है, हल्के हल्के मालिश करनी है, ऐसा नहीं ये देखिए इस तरीके से नहीं, बस इस तरीके से हल्का हल्का मालिश कीजिए और इसका आप रिज़ल्ट देखकर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ये कैसे बना आपका ऑयल, मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये ट्रिक अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए।